हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पतरोड़े, और मेरे पतरोड़े बनाने वाली है मेरी मम्मी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मम्मी ने इन्हें धो के रख लिया है अभी। तो अब हमने चने की दाल जो भिगो के रख ली है, तो अब मम्मी चने की दाल को मिक्सी में डाल के पीसने वाली है, जो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चने की दाल पीसने के बाद अब हम चावलों को भी पीस लेंगे जो हमने भिगो के रखे हुए थे। इसके बाद हम हरी हरी मिर्ची को भी अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लेंगे। इसके बाद जब मैंने चावलों को देखा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। चावलों का जो आटा बन चुका था। इसके बाद चावलों के आटों के साथ हमने चने की दाल भी इसमें ऐड कर दी। तो अब इस सब में हम ऐड करने वाले हैं बेसन, जैसा कि आप देख सकते हो। इसके बाद मम्मी ने इसमें नमक ऐड किया। हल्दी ऐड की। और इसके बाद मम्मी ने इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर दी। फिर हमने इसमें डाला जीरा। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद मम्मी ने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और इसमें हमने अपना सीक्रेट मसाला भी डाल लिया। सीक्रेट मसाले की तो बात ही अलग होती है। और इस सब के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो अब इसे हम 30 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। तो इसके बाद मम्मी ने जो हमारे पतरोड़े का बैल है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो इस पे लगाने लगी, जो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। जो पत्ते रखने का जो प्रोसेसर है उसे हम 3 से 4 बार रिपीट करेंगे। जो हमारे पतरोड़े हैं वो देखने में मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे, और मेरा तो अभी से खाने का जो मन कर रहा था। फिर जो बैटर लगाने का जो काम है वो चम्मच से नहीं, हाथों से ही अच्छा ही होता है, क्योंकि फिर कोने कोने जो है ना अच्छी तरह से कवर हो जाते हैं। कई बार चम्मच से नहीं भी होते, इसलिए हम इसे हाथों से ही कवर करेंगे। तो इसके बाद मम्मी ने इसे एक तरफ से फोल्ड कर दिया और ऊपर से इस पे मसाला लगाएंगे। गाइस, अब हम इसे धीरे धीरे रोल करेंगे। तो गाइस, अब ये देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। हाँ, देखी सकते हैं ना, मेथी में पाई रही है ना, ना उन्हें ये नहीं करना, मैं स्टीम इसके बाद करनी है फ्राई, फिर फिर इसके बाद करना है टेस्ट। देखा तो बैठी है स्टीम करवाई दिया, मैं करा आले कवर इन ये नहीं लगाया, हल्दी के पत्ते, हल्दी पत्ते ताल कर दे कि नदी जड़ी खुशबू होती बड़ी प्यारी, ये बड़ी अच्छी खुशबू लगती है नदी, ये बैठ पाई है मैं कि गेरे पत्तर की कहना यदा भी टेस्ट ये जी आती कि इन्हें पता है कि कई बारी गाजर लगदियाँ गड़ी च लगती कई घीए पत्ते होंगे कि नहीं लगती। तो पतरोड़े मेरे हूँ हो ठंडे है ना, हूँ इन्हें मैं करती कड़नी कद इसके बाद करनी है फ्राई, कर खाई के देखते भी क्या टेस्ट होया इन्हों। तो मम्मी ने अब इनकी कटिंग करना शुरू कर दिया, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा था। मन तो मेरा भी कर रहा था कटिंग करने का, पर मम्मी करने कहाँ देती है यार।
दिखा भला कटिंग कर ली मैं दी कर दिखा कितना सोहना सोहना पीस हो इन्हों दिखा हूँ मतलब कि नया फ्राई करना दिखा दिखा ना कलर कद शैल हो बिल्कुल दिखा ब्राउन हो गई दिखा है ना करंची करंची दिखा तो बैठे हुई मेरी फ्राई कल दिखा कद शैल करा रही है रंग ही बड़ा शैल है कहीं मुझे कमेंट करके दसनी वीडियो च कि तो मेरी बैठी करेंगे लगी मम्मी ता है वाह दिखा वाला मेरी बैठी खाई के कदेंगे लगी तो जो दिखा खरी बढ़िया खाई के दिखा वाला दस्ता मुझे खाई के बड़ी शैल करा रही है कहना कलर दिखा कद शैल है कहना तो मेरी बेटी करेंगे लगी मेरा ब्लॉग कदे लगा तो कमेंट करेगी जरूर दस नहीं मुझे कहना मिलती है अगले ब्लॉग च।